Hello students, in this video we will discuss about chapter 3 of class 4, subject English. So the name of the chapter is Ali Baba and 40 Thieves. Ali Baba or 40 means 40, thieves means chor. Ali Baba or 40 chor. Ye story humne kafi baar suni hogi. Chaliye isko acche se padhte hain. Is chapter mein do scenes hain. Theek hai? To hamari pehli scene kya hai wo hum dekhenge. Scene first. अली बाबा हैज़ 3 डंकीज विथ हिम इन अ जंगल. जो अली बाबा रहते हैं उनके साथ क्या रहते हैं, 3 डंकीज रहते हैं. क्या रहते हैं, 3 डंकीज. कहाँ पे, विथ हिम इन अ जंगल, उनके साथ जंगल में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अली बाबा टू हिमसेल्फ, अली बाबा जो है कहते हैं अपने आप से, ओह व्हाट आई सी, अरे ये मैंने क्या देखा. Who are they? ये लोग कौन हैं? They are doing something but what? वो लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? They all have heavy bags. उन सब के पास क्या है? Heavy bags, मतलब भारी भारी bag हैं. Who is that person in front of the big rock? और जो वो इंसान कौन है जो उस बड़े से पत्थर के सामने है? He may be the captain of them. हो सकता है वो उन सब का क्या हो, captain हो, means सरदार हो. जो सारे लोग हैं 40 thieves थे, जितने लोगों को वो देखते हैं अली बाबा, उनका वो captain हो, means सरदार हो. Captain loudly open Simsim. तभी वहाँ पे captain जो रहता है वो क्या बोलता है तेज से, open Simsim means खुल जा सिमसिम, तेज से बोलते हैं वो कैप्टन. द डोर ऑफ द केव ओपन्स, और जो वो केव का डोर रहता है वो क्या होता है, खुल जाता है. द थीव्स गो इनसाइड द केव, और जो थीव सारे रहते हैं, जो 40 थीव्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस केव के अंदर चले जाते हैं, मतलब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं. आफ्टर सम टाइम ऑल द थीव्स कम आउट ऑफ द केव, और उसके कुछ ही देर बाद वो जो सारे थीव्स सारे चोर रहते हैं वो सारे उस केव के उस गुफा के बाहर आ जाते हैं. कैप्टन लाउडली शट सिमसिम, फिर उसके बाद जब लोग बाहर आ जाते हैं तो वो जो कैप्टन रहता है वो फिर से तेज से बोलता है, क्या बोलता है, शट सिमसिम मीन्स बंद हो जा सिमसिम. द डोर एट वंस शट्स, और तभी तुरंत वो क्या होता है, जो डोर रहता है केव का वो तुरंत बंद हो जाता है. द थीव्स राइड एंड गो अवे, जो थीव्स रहते हैं वो क्या होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. अली बाबा कम्स नियर बाय द बिग रॉक, तभी वहाँ पर जब वो लोग चले जाते हैं तो अली बाबा क्या करते हैं, उस बड़े से पत्थर के सामने आते हैं. अली बाबा ओपन सिमसिम, और जब वो उस पत्थर के पास आ जाते हैं तो वहाँ पे वो आकर क्या बोलते हैं, ओपन सिमसिम मीन्स खुल जा सिमसिम. द डोर ओपन्स अगेन, अली बाबा ऑल्सो एंटर्ड इन साइड द केव, जो अली बाबा जो डोर रहता है जब वो ओपन सिमसिम मतलब खुल जा सिमसिम बोलते हैं तो डोर क्या होता है, अपने आप खुल जाता है और जो अली बाबा रहते हैं उस केव के अंदर चले जाते हैं. अली बाबा ओह व्हाट अ प्लीजेंट प्लेस, जब वहाँ पे अली बाबा अंदर जाते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट प्लेस मतलब कितनी सुहानी जगह, कितनी अच्छी जगह है. इट इज़ फुल ऑफ ज्वेल्स एंड प्रेशियस कॉइन्स, वो पूरी जो जगह रहती है उस केव के अंदर वो किससे भरी हुई होती है, ज्वेल्स से मीन्स ज्वेलरी से, जो गहने होते हैं उनसे भरी रहती है, और प्रेशियस कॉइन्स महंगे महंगे कॉइन्स से भरी होती है. आई नो द मैन वर थीव्स, अब मुझे पता चल गया है कि वो जो सारे आदमी थे वो क्या थे, थीव्स थे मीन्स चोर थे. अली बाबा पुट सम ज्वेल्स एंड कॉइन्स इन हिज बैग्स, तभी वहाँ से अली बाबा क्या करते हैं, कुछ ज्वेलरीज रहती हैं और जो कुछ कॉइन्स रहते हैं उसको अपने बैग में भर लेते हैं. एंड कम्स आउट ऑफ द केव विथ हिज डंकी, और क्या करते हैं, अपने डंकी के साथ उस केव से बाहर आते हैं, मतलब उस गुफा से बाहर आ जाते हैं. अली बाबा लाउडली शट सिमसिम, फिर अली बाबा जब उस केव से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो तेज से बोलते हैं, शट सिमसिम मीन्स बंद हो जा सिमसिम. द डोर क्लोजेस, फिर जो डोर रहता है दरवाज़ा रहता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है.
अली बाबा कम्स बैक टू होम, और उसके बाद अली बाबा क्या करते हैं, अपने घर वापस चले आते हैं। अली बाबा टू हिज वाइफ, फिर अली बाबा अपनी वाइफ से कहते हैं, सी माई डार्लिंग, सी द ज्वेल्स एंड कॉइन्स। अपनी वाइफ को दिखाते हुए कहते हैं, देखो मेरे पास क्या है, ये ज्वेलरीज हैं और ये कॉइन्स हैं। दे आर लार्ज इन नंबर, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा हैं ये, ठीक है। वी कैन नॉट काउंट सो इट, लेट्स वेट, ठीक है। तो हम, वो कहते हैं अली बाबा अपनी वाइफ से कि हम इसको, इतने ज़्यादा हैं ये कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए चलो इसका वजन करते हैं, इनको तौलते हैं। अली बाबाज वाइफ, बट एट दिस टाइम आई हैव नो बैलेंस टू वेट। फिर अली बाबा की वाइफ उनसे क्या कहती हैं, लेकिन इस टाइम तो मेरे पास कोई भी तराजू नहीं है जिससे हम तौल सकें। अली बाबा, गो टू माई ब्रदर कसीम। तो अली बाबा क्या कहते हैं कि ठीक है, मेरे भाई कसीम के पास जाओ, बोरो हिज बैलेंस फॉर सम टाइम, उसका जो बैलेंस है, जो तराजू है, उसको कुछ देर के लिए अपने पास लेकर आओ। गो एंड कम सून, और जाओ और जल्दी से आओ। अली बाबाज वाइफ गोज टू कसीम्स होम। फिर उसके बाद अली बाबा की जो वाइफ रहती है वो क्या करती है, कसीम के घर चली जाती हैं। अली बाबाज वाइफ टू कसीम्स वाइफ, जो अली बाबा की वाइफ रहती है वो क्या करती है, कसीम की, मतलब जो अली बाबा का भाई है, उनकी वाइफ से कहती हैं, सिस्टर आई वॉन्ट योर बैलेंस। उसे, उनसे कहती हैं कसीम की वाइफ से कि बहन मुझे तुम्हारा तराजू चाहिए, प्लीज़ गिव मी, आई विल रिटर्न इट टू यू इमिडिएटली। वो कहती हैं उनसे कि प्लीज़ मुझे दे दो और मैं ये जल्दी तुम्हें वापस कर दूँगी। कसीम्स वाइफ, ये सिट प्लीज़ जस्ट अ मिनट। तो उनसे कहती हैं, हाँ ठीक है आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आई विल ब्रिंग द बैलेंस, आप एक मिनट बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। शी रिपीट साइलेंटली, और फिर वो अपने मन में बोलती हैं, जब वो वहाँ से चली जाती हैं बैलेंस लेने के लिए, मतलब तराजू लेने के लिए, फिर वो अपने मन में बोलती हैं, बैलेंस तराजू, वॉट फॉर, किस लिए, आई शुड, सी दैट वॉट शी विल वेट। वो कहते हैं कि तराजू इस टाइम इनको किस लिए चाहिए, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या वजन करना चाहती हैं। लेट्स पुट अ लिटिल वैक्स अंडर द बैलेंस। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, थोड़ा सा वैक्स, मतलब जो मोम होता है, उसको उस बैलेंस पर, मतलब उस तराजू पर लगा देती हैं, ठीक है। कसीम्स वाइफ विद एन आर्टिफिशियल स्माइल। फिर जब कसीम की वाइफ जो रहती हैं वो बैलेंस लेकर आती हैं, तो आर्टिफिशियल स्माइल मीन्स नकली स्माइल जो होता है ना, जो झूठी मुस्कुराते हैं, उस स्माइल के साथ कहती हैं, टेक प्लीज सिस्टर। वो कहती हैं अली बाबा की वाइफ से, ये लीजिए बहन। अली बाबाज वाइफ कम्स होम एंड वेट्स द ज्वेल्स एंड कॉइन्स। फिर उसके बाद अली बाबा की जो वाइफ रहती है वो अपने घर वापस आ जाती हैं, और वो घर आकर क्या करती हैं, उन ज्वेलरीज को और कॉइन्स को वेट करती हैं, मतलब तौलती हैं। After waiting, अली बाबा buries the bags in a pitcher in the lawn. जब वो उसका वजन कर लेते हैं, मतलब उसको तौल लेते हैं, तो क्या करते हैं, उन जो सारा ज्वेलरीज और कॉइन रहता है उसको एक मटके में डालकर ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। कहाँ पर, इन द लॉन, लॉन में, ठीक है। अली बाबाज वाइफ गेव बैक द बैलेंस टू कसीम्स वाइफ। फिर उसके बाद अली बाबा की जो वाइफ रहती हैं वो क्या करती हैं, वो जो तराजू रहता है वो कसीम की वाइफ को वापस दे आती हैं। कसीम्स वाइफ फाइंड्स अ गोल्ड कॉइन स्टक टू द बॉटम ऑफ द बैलेंस। फिर जब वो उनको दे आती है, जो कसीम की वाइफ रहती है वो क्या देखती है कि उस तराजू पर एक गोल्ड का कॉइन लगा हुआ, सोने का सिक्का लगा हुआ है। स्टक मीन्स चिपका हुआ। तो जब वो वैक्स लगाती है, मतलब वो जो मोम लगाती है, तो उसी में वो क्या होता है, सिक्का चिपक जाता है, तो उस तराजू में वो लगा रहता है। व्हेन कसीम रिटर्न्स होम शी सेज, और उसके बाद जब कसीम अपने घर वापस आता है, तो उसकी जो वाइफ रहती है उनसे कहती हैं, कसीम्स वाइफ, लुक लुक हियर इन माई हैंड अ कॉइन ऑफ गोल्ड। तो वो जब आते हैं तो उनसे कहती हैं कि देखो देखो मेरे हाथ में क्या है,
ए कॉइन ऑफ गोल्ड, मतलब एक सोने का सिक्का है. कसीम सीज ईगरली, मतलब कसीम को बहुत अजीब लगता है, वो बहुत मतलब जानने के लिए बहुत इच्छुक हो जाता है कि कहाँ से आया. आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी ही कम्स टू अली बाबा, और जब उसको पूरी स्टोरी जो उस कसीम की वाइफ रहती है बता देती हैं तो अली बाबा के पास जाते हैं. कसीम, अली बाबा, अली बाबा. कसीम जब अली बाबा के घर पहुँचते हैं तो उनको बुलाते हैं, अली बाबा, अली बाबा. वॉट आई सी, देखिए मैंने क्या देखा. यू वेट द गोल्ड कॉइन्स, आपने सोने के सिक्कों को तोला. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दीज टेल, वो पूछते हैं कि आपको ये सारे सिक्के कहाँ से मिले, बताइए. अली बाबा, ब्रदर आई गॉट फ्रॉम अ केव, वो कहते हैं कि भाई मुझे ये कहाँ से मिला है, केव से मिला है, मतलब गुफा से मिला है. लिसन केयरफुली अबाउट द सीक्रेट ऑफ कॉइन्स, अब तुम ध्यान से कॉइन्स का सीक्रेट, मतलब जो ये राज की बात है उसको तुम ध्यान से सुनो. कसीम लिसन्स एंड रिचेस द नियर बाय द रॉक विथ सम डंकीज हैविंग बिग बॉक्सेस. फिर जब कसीम जो रहता है अली बाबा से पूरी स्टोरी सुन लेता है कि उनको कहाँ से वो गोल्ड कॉइन मिला है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसी रॉक के पास, उसी बड़े से पत्थर के पास जाता है. किसके साथ, अपने कुछ डंकीज के साथ, और जो कि उनके पास बिग बिग बॉक्सेस रहते हैं, उन डंकीज के ऊपर क्या रहते हैं, बिग बिग बॉक्सेस रहते हैं. कसीम ओपन सिम सिम, कसीम जो रहता है जब उस रॉक के पास पहुंच जाता है तो बोलता है खुल जा सिम सिम. द डोर ऑफ द केव ओपन्स, कसीम एंटर्स इन द केव, जो केव का डोर रहता है वो क्या होता है, खुल जाता है, और कसीम जो है उस केव के अंदर चला जाता है. ही फिल्स द बॉक्सेस विद ज्वेल्स एंड कॉइन्स, और वो क्या करता है, जो सभी बॉक्सेस वो अपने साथ ले गया रहता है उनको ज्वेलरी से और गोल्ड कॉइन से भर लेता है. ही देन कम्स टू द डोर, और उसके बाद वो क्या करता है, उस डोर, केव के डोर के पास आता है. ही फॉरगेट्स द वर्ड सिम सिम, फिर वो वहाँ पर जब आता है तो वो क्या करता है, वो वर्ड जो रहता है खुल ओपन सिम सिम या शर्ट सिम सिम, जो खुल जा सिम सिम और बंद हो जा सिम सिम था, उसको वो भूल जाता है. Meanwhile the thieves come, तो जब वो भूल जाता है तो उसी में अटक जाता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, कुछ देर बाद वो जो thieves रहते हैं, वो जो सारे चोर रहते हैं वो आ जाते हैं. They see Kasim there and get angry, और वो वहाँ पे क्या देखते हैं, कसीम को देखते हैं, और जब कसीम को देखते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. Thieves kill him and went away, जो thieves रहते हैं उसको क्या करते हैं, कसीम को उसी केव के अंदर, उसी गुफा के अंदर मार देते हैं और चले जाते हैं. कसीम्स वाइफ, इट इज़ टू लेट, कसीम की जो वाइफ रहती है वो बोलती है कि ये तो बहुत देर हो गई है. कसीम हैज़ नॉट येट कम, लेट मी गो टू अली बाबा, वो जो कसीम की वाइफ रहती है वो अपने से बोलती है कि ये तो बहुत देर हो गई है, अभी तक कसीम घर पे नहीं आए हैं, लेट मी गो टू अली बाबा. तो वो सोचती है कि चलो मैं अली बाबा के पास जाती हूँ और पता करती हूँ. कसीम वाइफ कम्स टू अली बाबा एंड टेल्स द होल स्टोरी, फिर कसीम की जो वाइफ रहती है वो अली बाबा के पास आती है और उनसे पूरी स्टोरी बताती है कि जब उन्होंने आपसे स्टोरी सुनी तो वो क्या केव के पास चले गए कुछ गोल्ड कॉइन और ज्वेलरीज को लेने के लिए. देन अली बाबा गोज टू द रॉक, फिर उसके बाद अली बाबा जो रहते हैं उस बड़े से पत्थर के पास जाते हैं. ही फाउंड हिज ब्रदर डेड देयर, फिर वहाँ पे वो क्या देखते हैं, अपने भाई को मरा हुआ देखते हैं. ही ब्रिंग्स द बॉडी ऑफ कसीम एट होम, फिर वो क्या करते हैं, कसीम की जो बॉडी रहती है, मरा हुआ शरीर रहता है, उसको अपने घर लेकर आते हैं. मीनवाइल द थीव्स रिटर्न टू द केव, और उसके बाद वो जो थीव्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उस केव में फिर वापस आते हैं. थीव्स, ओह नो, अरे नहीं, द डेड बॉडी इज नॉट हियर, वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये डेड बॉडी अब कहाँ चली गई, यहाँ तो है ही नहीं. हु हैज़ स्टोलन इट, कौन उसे चुरा कर ले गया. इट सीम्स समवन हैज़ नोन आवर सीक्रेट, उनको लगता है कि कोई हमारा जो सीक्रेट है, मतलब जो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स और ज्वेलरीज को छुपाने का, कोई जान लिया, जान चुका है. वी मस्ट फाइंड आउट द मैन एंड किल हिम, हमें
ये पता करना होगा और उस आदमी को क्या करना होगा, मारना होगा। फिर देन सीन टू होता है, सीन टू द कैप्टन ऑफ द थीव्स सेंड्स टू थीव्स टू द टाउन। जो कैप्टन रहता है उन थीव्स का, उन चोरों का जो सरदार रहता है, वो क्या करता है, दो चोरों को, दो थीव्स को उस टाउन में भेजता है जहाँ पर अलीबाबा रहते हैं। Thieves to a citizen, will you please tell us if someone has died 2 days back? The thieves रहते हैं वहाँ पे, एक citizen रहता है वहाँ का, एक निवासी रहता है, उससे पूछते हैं कि क्या कोई 2 दिन पहले यहाँ पर मरा है। Citizen, oh yes, Ali Baba's brother Kasi. जो citizen रहता है वो क्या करता है, बताता है कि हाँ अली बाबा का भाई जो है कसीम वो मरा हुआ है। Thieves, we have found, let us mark a cross on the door of Alibaba's house. फिर जो thieves रहते हैं वो अलीबाबा का घर देखते हैं और उनके दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बना देते हैं ताकि वो लोग अलीबाबा का घर पहचान सकें। Thieves to themselves, when they come back the next day. Thieves जो रहते हैं फिर जब उस दिन क्रॉस करके चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब वो आते हैं वापस, what? There are cross mark on each door. फिर जब नेक्स्ट डे वो आते हैं तो अपने आप से कहते हैं, मतलब आपस में बात करते हैं जो सारे चोर रहते हैं, कि ये तो हर एक दरवाजे पर, मतलब उस टाउन में जितने घर रहते हैं सबके दरवाजों पर वो क्रॉस का निशान बन जाता है। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? Thieves were upset. जो thieves रहते हैं वो बहुत ज़्यादा upset हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। At that time, the captain reaches there and traces Ali Baba's house. फिर उसके बाद वहाँ पर कैप्टन जाता है, वो किसी तरह से वो अली बाबा का जो घर रहता है उसको पता कर लेते हैं कि कौन सा उनका घर है। Captain, bring 20 donkeys. फिर जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि 20 donkeys को, 20 गधों को लेकर आओ। Load 2 jars on each donkey. और हर एक donkey पर 2 jar, मतलब बड़े बड़े जार रख दो। One of you should sit inside the jar. उनमें से हर जार में एक एक चोर, जो मतलब जो उनका थीव रहता है, हर एक आदमी बैठेगा उस जार के अंदर बड़े से। Captain comes at the door of Ali Baba's house and knocks. फिर उसके बाद जब वो 20 donkeys आते हैं, उनके अंदर जो थीव्स रहते हैं वो बैठ जाते हैं, वो सारा लेकर वो जो कैप्टन रहता है अली बाबा के घर आता है और क्या करता है, अली बाबा के घर को नॉक करता है और अली बाबा ओपन्स द डोर। तो तभी अली बाबा क्या करते हैं, उस डोर को ओपन करते हैं, जिनके घर का डोर होता है उसको खोलते हैं। कैप्टन, आई एम अ ट्रैवलर। जो कैप्टन रहता है वो अली बाबा से क्या कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मतलब मैं एक व्यापारी हूँ, घूमने वाला हूँ इधर से उधर। आई फील मच टायर्ड ऑफ इन द लॉन्ग जर्नी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से, बहुत देर से यात्रा कर रहा हूँ। May I stay here for one night? क्या मैं आपके यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? अली बाबा, why not? Sure, come and rest. अली बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं, आइए आप आराम करिए। अली बाबा, सॉरी, द जार्स आर पुट आउटसाइड। जो जार्स रहते हैं, जब वो अली बाबा के घर में आ जाता है, जो सारे जार्स रहते हैं वो 20 डंकीज के साथ, वो सारे घर के बाहर ही रख दिए जाते हैं। द कैप्टन एंड अली बाबा मूव इनसाइड द हाउस ऑफ मर्जीना। और जो कैप्टन और अली बाबा रहते हैं वो क्या करते हैं, मर्जीना के घर के अंदर जाते हैं। और जो मर्जीना रहती है वो अली बाबा की एक नौकर रहती है। अली बाबा, मर्जीना, ओ मर्जीना। अली बाबा जो है तभी मर्जीना को बुलाते हैं। मर्जीना कम्स, तभी वहाँ पे मर्जीना आ जाती है। अली बाबा ऑर्डर हर टू ब्रिंग सम ऑयल फॉर द लैम्प्स। अली बाबा तभी उसको दे ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा ऑयल लेकर आए लैम्प्स के लिए। मर्जीना गोज आउट एंड लिफ्ट्स द लिड ऑफ अ जार। तभी मर्जीना क्या करती है, बाहर जाती है और वो जो जार रहता है उनको ऐसे मतलब खोलती है, उसको लगता है उसमें ऑयल है तो उनको खोलती है। शी पिप्स इन, लेकिन जब वो खोलती तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। शी फाइंड्स नो ऑयल बट वन मैन सिटिंग। वो उसको उसमें ऑयल तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको क्या देखने को मिलता है कि उस जार में एक आदमी बैठा हुआ है। थीफ,
थीफ तभी बोलता है जब जिस जार को वो खोलती है तभी उसमें से एक थीफ की आवाज़ आती है, कैप्टन इज इट टाइम टू किल अली बाबा, तभी उसमें से आवाज़ आती है कि कैप्टन, कैप्टन मीन सरदार, क्या टाइम हो गया है अली बाबा को मारने का। मर्जीना अंडरस्टूड द प्लान, तभी मर्जीना जो रहती है उसको प्लान समझ आ जाता है कि ये लोग अली बाबा को मारने के लिए आए हैं। शी थॉट ऑफ अ प्लान, तभी उसके दिमाग में भी एक प्लान आता है। शी चेंजेस द वॉइस एंड सेज, तभी वो अपनी आवाज़ बदलती है और कहती है मर्जीना नॉट येट, अभी नहीं। इन द मिड नाइट मर्जीना गोज नियर ईच जार एंड पोर्स बॉइलिंग ऑयल, फिर जब वो ऐसा कर देती कि मतलब उन चोरों से कह देती कि नहीं अभी तो टाइम नहीं हुआ है, उसके बाद वो रात में जब रात हो जाती है, जब होता है मिड नाइट आधी रात जब होती है, तो फिर वो क्या करती है हर एक जार के पास जाती है और उसमें क्या करती है थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग ऑयल मतलब खौलता हुआ तेल उसी में जार में डाल देती है। ऑल द थीव्स आर किल्ड, और जो सारे थीव्स रहते हैं उसी जार के अंदर क्या होते हैं मर जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फिर अगले दिन सुबह कैप्टन कम आउट मैन, जो कैप्टन रहता है उन जार के पास जाता है और कहता है कि बाहर आओ तुम लोग, देयर इज नो रिस्पॉन्सिस इनसाइड द जार, लेकिन उन जो कैप्टन रहता है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब कुछ भी मतलब उस जार में से आवाज़ भी नहीं आती, ना ही कोई इंसान बाहर आता है। ईच वन इज डेड ही रन्स अवे, तो फिर वो जो कैप्टन रहता है वो अपने जार को खोल के देखता है कि उसमें जो सारे आदमी रहते हैं वो क्या हो गए हैं मर चुके हैं, तभी वो घबरा जाता है और वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। मर्जीना मास्टर ऑल द थीव्स आर किल्ड एंड द कैप्टन हैज़ रन अवे, मर्जीना फिर उसके बाद क्या करती है जब वो भाग जाता है कैप्टन, तो अली बाबा को पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी कि आप लोग ये आप लोग को ऐसे मारने के लिए आए थे, अब जो सारे थीव्स जो हैं मर चुके हैं और कैप्टन भी जो है उनका भाग चुका है। अली बाबा हैप्पीली, अली बाबा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी मर्जीना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मर्जीना, यू आर सो वाइज, तुम बहुत ही अच्छी हो, यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया, टेक दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये लो एक पूरा वो भरा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग उसको देते हैं मर्जीना को, इट इज़ योर रिवॉर्ड, और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, मैं तुम्हें ये पुरस्कार दे रहा हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ वर्ड मीनिंग, बैलेंस इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग थिंग्स, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम चीज़ों को तोल सके, मतलब तराजू, इमिडिएटली विदाउट डिले, इमिडिएटली मीन्स तुरंत बिना किसी रुकावट के, स्टक अनेबल टू मूव, ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ में चिपक जाए और वो आसानी से ना निकले। कैप्टन द लीडर ऑफ द टीम, कैप्टन कौन होता है द लीडर ऑफ द टीम, मीन्स किसी से टीम का मतलब जहाँ पे कई ग्रुप के लोग होते हैं उनका जो सरदार होता है उसे कैप्टन कहते हैं। रिस्पॉन्स मीन्स आंसर और रिएक्शन, रिस्पॉन्स मीन्स किसी से हम कुछ कहते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है कि वो हमें वापस जवाब देता है, तो रिस्पॉन्स का मीन्स कोई आंसर या रिएक्शन होता है। ओके द चैप्टर इज एंडेड, प्लीज़ रीड इट केयरफुली, थैंक यू।